नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। ये बुलेटिन खास है और थोड़ा हटके है क्योंकि इस बुलेटिन में हम आपसे रूबरू कराते हैं वो खबरें जिनसे आपका सीधा सरोकार है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP प्रोजेक्ट में पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच MOU हो गया है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ हुई बैठक में दोनों राज्यों के CM, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने MOU पर साइन किए। इससे पहले CM डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान के जयपुर गए थे और इस परियोजना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ चर्चा की। फिर दोनों ही राज्यों के CM दिल्ली पहुंचे और इस समझौते से दोनों ही राज्यों की बड़ी आबादी को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। दोनों राज्यों के 13-13 जिलों को इससे सीधा फायदा होगा। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रही है जब आप देख सकते हैं यहां पर भजन लाल शर्मा और मोहन यादव के बीच MOU साइन हुई और यहाँ जल शक्ति मंत्री भी मौजूद रहे। MP और राजस्थान सरकार दोनों के बीच ही ये जो समझौता है वो हो गया है और दोनों राज्यों के लगभग 13-13 जिलों को इसका सीधा फायदा होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये खास तस्वीर जब दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ थे। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जयपुर गए, उन्होंने भजन लाल शर्मा से बात की, फिर दोनों ही नेता राजधानी पहुंचे और केंद्रीय मंत्री के सामने बातचीत कर MOU साइन हुई। अब ERCP है क्या, ये आपको भी दिखा रहे हैं कि ERCP क्या है और इस बारे में दोनों ही नेताओं के बीच चर्चा जो हुई है वो कितनी ज्यादा फायदेमंद होगी। मालवा, चंबल ये अंचल तो ये बहुत कष्ट के जिले थे, जहाँ हम अगर मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, इधर आगर, राजगढ़, उज्जैन, देवास, ये पूरा बेल्ट जो हमारा ड्राई बेल्ट था, इस बेल्ट के अंदर पानी की न केवल उपलब्धता होगी जिससे हमारा औद्योगिकरण का भी बेल्ट नया बनेगा बल्कि सिंचाई का बहुत बड़ा रकबा बढ़ेगा। लगभग 3 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन की सिंचाई होने वाली है। हमारे सभी धार्मिक स्थान, सभी पर्यटन के केंद्र, सभी प्रकार के संस्थान विकास के लिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए ये एक नए पुण्य का सृजन आज से प्रारंभ हुआ है, जो इन दोनों राज्यों के 26 जिले, 13-13 जिले दोनों तरफ और 2,80,000 हेक्टेयर राजस्थान की और 2,80,000 हेक्टेयर मध्य प्रदेश की, ऐसी कुल मिलाकर के 5,60,000 यानी 14 लाख एकड़ जमीन नई सिंचाई के तहत आएगी और निश्चित ही इन दोनों ही जिलों के किसानों के साथ उनके जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही। उनकी आमदनी को दुगना करने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना है वो पूरा होगा ही। तो ERCP क्या है और ERCP क्यों जरूरी है ये भी हमने आपको दिखा दिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की, जहां आखिरकार खेला हो ही गया। महागठबंधन से मोह भंग होने के बाद नीतीश कुमार NDA के साथ गठबंधन कर चुके हैं और BJP के सहयोग से 9वीं बार CM पद की शपथ ले चुके हैं और ऐसा करने वाले वो देश के इकलौते नेता बन चुके हैं। इसी पर खास रिपोर्ट देखिए। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं नीतीश कुमार 9वीं बार नीतीश कुमार प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ बिहार में एक बार फिर NDA की सरकार की वापसी हो गई। करीब 18 साल से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के साथ 8 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। BJP कोटे से 3 और JDU कोटे से 3 मंत्री बनाए गए। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 मंत्री और निर्दलीय सुमित कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली और इसमें BJP कोटे के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग के मास्टरमाइंड माने जाने वाली नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में सियासी और जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा है।
नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी जाति से आने वाले श्रवण कुमार को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जबकि लव कुश समीकरण के कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नीतीश मंत्रिमंडल में यादव जाति का प्रतिनिधित्व बिजेंद्र यादव कर रहे हैं। महादलित समाज से आने वाले संतोष कुमार सुमन को मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में अगड़ी जाति का ख्याल रखते हुए भूमियार जाति से दो लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। भूमियार जाति से आने वाले विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले विजय चौधरी को भी एक बार फिर मंत्री बनाया गया, जबकि सुमित कुमार सिंह राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अति पिछड़ा समाज से ताल्लुक रखने वाले कहार या फिर कहीं तो चंद्रवंशी समाज से डॉक्टर प्रेम कुमार को मंत्री बनाकर जाति समीकरण के साथ साथ सियासी समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा, लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है। हालांकि आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और कई और नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले किसी नेता को भी मौका मिल सकता है। लेकिन अभी अगड़ी जाति में ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए तो कोशिश यही है कि हर एक वर्ग को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो एमपी कांग्रेस लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द जनता दरबार शुरू करेगी, और उधर कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी ने निशाना साधा है। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस 6 फरवरी को विधायक दल की बैठक करेगी। बैठक में सरकार को घेरने और आंदोलन की रणनीतियों पर मंथन होगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पार्टी जल्द जनता दरबार भी शुरू करेगी और इसके जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिए, 6 तारीख को हमारी विधायक दल की बैठक, और चूंकि पार्टी में सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, तो विधानसभा में तो अंदर घेरेंगे, विधानसभा के बाहर भी आवश्यकता रही तो वो भी घेरेंगे। स्वाभाविक है कि सरकार सुनना नहीं चाहती आम व्यक्ति की समस्याएं, तो हमारा फर्ज है विपक्ष के नाते, तो सप्ताह में मैं 2 दिन चाहूंगा कि भोपाल स्तर पे सभी आम प्रदेश की जनता से मिलूं, और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। समय तय कर दिया है, वार तय करना है तो वो आगमी आपको बता दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि बीजेपी अपना वादा पूरा करती है, साथ ही कांग्रेस पर किसानों के लिए समस्या खड़ी करने के आरोप भी लगाए। गलेबान में झांक करके देखे, हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, भले ही देरी से हमारा काम होता है लेकिन होता है, और नतीजा यह है कि आज हम फुल मैंडेट के साथ में सरकार में बैठे हैं और आप सरकार से बाहर विपक्ष में बैठे हैं। तो अपने अंदर झांक करके देखिए, ये आरोप लगाने का काम न करें और खुद के संगठन को मजबूत कीजिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस जनता के बीच जाने की कोशिश में है और जनता दरबार का मकसद भी यही है, हालांकि इस पर सियासत भी होने लगी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। एक तरफ जहां अरुण साहब ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट फरवरी में ही आएगी, तो वहीं बस्तर की सीटों को लेकर मंथन हुई है। क्या मंथन हुई और कौन कौन से नेता इस दौरान मौजूद रहे, आपको दिखाते। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि फरवरी में बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी, साथ ही उन्होंने प्रदेश की 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। चल रही है, क्लस्टर बन गया है, लोकसभा के प्रभारी सह प्रभारियों की नियुक्ति हो गई है और उसके लिए बैठकें प्रारंभ हो गई है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट जीतने की तैयारी में पूरी ताकत से जुटी है। देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को हमेशा से मौका देती रही है, पर पार्टी जितने योग्य और सक्षम प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। वहीं बीजेपी का फोकस आदिवासी सीटों पर भी है। बस्तर की लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, अजय चंद्राकर, केंद्र कश्यप और पार्टी के बड़े पदाधिकारी ने मंथन किया। बैठक के बाद नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव जीते हैं, लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। लोकसभा की तैयारी के लिए बैठक थी साहब। कांग्रेस को कितनी चुनौती मानते हैं? कांग्रेस की कहां चुनौती है, देखा ना महागठबंधन बिहार में भी बिखर गया। तो बस्तर लोकसभा जीतने के 100,000%। तो विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बारी है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और बस्तर सहित लोकसभा की 11 सीटों पर फोकस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इधर कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा रायपुर पहुंची और अलका लांबा रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बात की। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अलका लांबा पहली बार 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंची है। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए रिचार्ज किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन को लेकर बात की, साथ ही दावा किया कि कई जगहों पर गठबंधन की सीटों को लेकर बातचीत फाइनल हो चुकी है। लगातार हमारी बैठकें, जो हमारे 28 इंडिया अलायंस के दल हैं, लगातार हमारी बैठकें चल रही है। कौन कितनी सीटों पर कहां लड़ेगा, बहुत से राज्यों में ये बातचीत पूरी भी हो चुकी है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आ जाने के बाद खंड खंड गठबंधन की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ रायपुर पहुंची अलका लांबा सीटों की बातचीत को लेकर दावा कर रही हैं। अब नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन से विदाई लेने और एनडीए गठबंधन से बंधन करने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को क्या फर्क पड़ेगा, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।